और मेरे भाई लोग कैसे हो यार, तो इस बार का जो वीडियो लेकर आया ना बहुत ही अच्छा और अमेजिंग ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि लाइट रूम से रिलेटेड है। तो लाइट रूम में आप इस तरह का एडिटिंग कर सकते हो, आप देख सकते हो 07 हसनैन का जो एडिटिंग है गाइस बहुत ही बढ़िया और अच्छा लाइट रूम से किया हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस टोन में आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे ये प्रेसेट है नहीं मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ ये प्रेसेट मैं रेडी करूँ, ठीक है गाइस। तो चलो मैं लाइट रूम में जाता हूँ, एडिटिंग करके रखा है। तो आप देख सकते हो गाइस ये वो फ़ोटो है, आप देख सकते हो ये वो फ़ोटो है जिसको मैंने लाइट रूम में एडिट किया है गाइस। क्वालिटी आप देख सकते हो हर चीज़ एकदम परफेक्ट है, थोड़ा भी क्वालिटी में ख़राबी नहीं है गाइस क्योंकि मैंने लाइट रूम में एडिट किया है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला गाइस, मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा था इसलिए एडिटिंग करने के लिए। एकदम परफेक्ट एकदम मैच किया मैंने कलर वगैरह हर चीज़ गाइस, आप देख सकते हो डिटेलिंग वगैरह भी चेक कर सकते हो गाइस, हर चीज़ एकदम डिटेलिंग मैंने एडिटिंग किया हूँ फुल HD में। तो गाइस इस तरह का अगर एडिटिंग करना चाहते हो, प्रेसेट अगर बनाना चाहते हो गाइस, तो स्टार्ट करते गाइस। जो मैं स्टार्टिंग से एडिटिंग किया हूँ ना गाइस वो आपको सेटिंग बताऊँगा क्योंकि अगर मैं एक एक करके एडिटिंग करने जाऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक काम करना गाइस, आप हर एक चीज़ का एक स्क्रीनशॉट मार के उसके बाद प्रेसेट रेडी कर लेना, बहुत ही यूज़फुल है गाइस, बहुत अच्छा और अमेजिंग एडिटिंग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैं देखो यहाँ से जो स्टार का देख सकते हो मेरा ये सेटिंग है मैंने बना के रखा गाइस, ये सेटिंग आपको आप देख सकते हो मैं स्लोमो में ये कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो गाइस जो कि बहुत ही बढ़िया आप ये प्रेसेट तैयार कर सकते हो 07 हसनैन जैसा, ठीक है। तो ये आप देख लिया, अब ये सेटिंग देख लिया, स्क्रीनशॉट मार लो गाइस, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कलर करेक्शन में देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ आप देख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है। चलो ले लिया, ओके। अब यहाँ पे जाना मिक्स कलर पे, मिक्स कलर पे गाइस सबसे ये फर्स्ट वाला जो कलर है ना गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टोन्स के लिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो 49 80 80, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते स्क्रीन पे फेस के लिए जो कि स्किन कलर है, तो गाइस उसे भी हमें मैच करना है। तो देख सकते ह्यू मैंने 60 माइनस कर दिया, सैचुरेशन खाली 9% रखा गाइस, ठीक है, ताकि मैच हो। ल्यूमिनस देख सकते हो 33%, ओके। अब हम चलते हैं थर्ड कलर पे, आप इसमें देख सकते ह्यू मैंने 0 रखा है, सैचुरेशन पूरा कम कर दिया, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड देख सकते हो तो मेरा ये था बैकग्राउंड, रियल बैकग्राउंड ये था, ठीक है गाइस। तो इसको मैंने पूरा सैचुरेशन कम कर दिया है, तो ये हो गया। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन वाला है, ग्रीन एक्चुअली ये कलर देख सकते हो बैकग्राउंड ग्रीन में था, ये रियल था ये बैकग्राउंड, ठीक है, आप देख सकते हो ये रियल बैकग्राउंड था। तो आप देख सकते हो मैंने खाली इसका सैचुरेशन कम कर दिया, एंड इसका भी मैंने सैचुरेशन कम कर दिया, तो ये देख सकते हो यहाँ पे रेडी हो गया। एंड बीच में कुछ है, ये देख सकते हो बीच में यहाँ पर देख सकते हो तो बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लू इफेक्ट आ रहा है, तो उसे कम करने के लिए मैंने उसका भी सैचुरेशन कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी देखो थोड़ा कलर वगैरह ये आ रहा है, तो मैंने इसका भी सैचुरेशन कम कर दिया गाइस, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड से कलर बैकग्राउंड के कलर से मैच कर जाए, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो ये मेरा पैसे, तो आप देख सकते हो इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लेना, ये देखो इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो, ये तो शायद ज़रूरत नहीं है 100 की, तो हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ से मैंने डन कर दिया, एंड डन करने के बाद गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ स्टार पर, आप देख सकते हो यहाँ पर कर्व पे, अब ये कर्व पे जाने के बाद इसमें देख सकते हो गाइस मैंने कर्व बनाया जो कि खाली ब्लू के लिए बनाया है, ठीक है गाइस। तो आपको भी खाली ये ब्लू के लिए ऐसा कर्व बनाना है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटर में, एंड यहाँ पे देख सकते हो हाथ के पास एकदम कॉर्नर पे मैंने छोटा बनाया, तो आप इस तरह का बना सकते हो, ओके। मैं यहाँ से मैं डन कर देता हूँ, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो गाइस, ठीक है। एंड देन हम चलते हैं वापस टेक्सचर वगैरह, तो टेक्सचर देख सकते हो मैंने 20% दिया, एंड क्लैरिटी देख सकते हो मैंने माइनस कर दिया 16%, चाहे तो आप इसका क्लैरिटी कम भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 12% तक आप माइनस में रख सकते हो, एंड बिगनेट देख सकते हो 45% रखा मैंने, एंड मिड पॉइंट मतलब आप देख सकते हो मिडिल पॉइंट में मैंने 4 ही रखा, एंड फेदर देख सकते हो 52%, वो तो ऑलरेडी वैसे ही छोड़ दिया। राउंड ने देख सकते हो 71% रखा, बैकग्राउंड में जो ओवर एक्सपोजर है ना उसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। एंड हाईलाइट देख सकते हो मैंने 20% इंक्रीजमेंट किया। तो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट मार लेना, मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो फाइनली आप ले लिए होंगे शायद, ओके। एंड देन ये लास्ट वाला आप देख सकते हो यहाँ पे मैं शार्पनिंग वगैरह से 65, एंड रेडियस तो मैंने कुछ छेड़ा नहीं, मास्किंग मैंने किया है गाइस क्योंकि मास्किंग डबल फिंगर यूज़ होता है जो कि मास्किंग के लिए, तो शार्पनिंग आपके फेस वगैरह पे बैकग्राउंड पे ना रहा है, ठीक है। तो उसका भी मैंने 34% रख दिया, एंड बाकी नॉइज़ रिडक्शन वगैरह तो नहीं करूँगा गाइस क्योंकि वो कार्टून टाइप लगेगा, नेचुरल फोटो दिखेगा नहीं। तो गाइस ये था मेरा आज का प्रेसेट, अगर आप इस तरह से अगर ये प्रेसेट रेडी करते तो बस, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो गाइस सब्सक्राइब शेयर करो लाइक करो, अगर कुछ भी डाउट आता है ना गाइस कमेंट करो, उसी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आप
देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर देखो ऐसा था ये फोटो मैंने एडिटिंग किया, आफ्टर देख सकते हो गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग एडिटिंग हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तो देख सकते हो ये कलर मैंने बनाया था प्रोसेस के लिए। तो गाइस अगर अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो गाइस, सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए हमेशा सपोर्ट करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।